हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और चेरिश ओएस के लेटेस्ट एंड्रॉयड 12.1 अपडेट की बात करेंगे रेडमी K20 प्रो के ऊपर। और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा डिले हो चुकी है। रीज़न, मैं घर पे गया था, एमरजेंसी में जाना पड़ा ऑलमोस्ट 2 दिनों के लिए, तो मैंने उसी दिन वैसे तो इसको इंस्टॉल कर रखा था, बट जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, बाकी फर्दर वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको भी चेकआउट ज़रूर से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोम का अबाउट फोन पेज आप चेक कर सकते हो। चेरिश ओएस का बड़ा सा लोगो है, एंड्रॉयड वर्जन आपको 12L मिल जाता है। चेरिश वर्जन अपडेट हो चुका है 3.7 के साथ में, और 5 मई 2022 से एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट हमें मिलेगा। एंड जो कर्नल यहां पर यूज किया, एज ऑलवेज सोवियत स्टार है, और इसकी ऑप्टिमाइजेशन को मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा। और सिलनिक स्टेटस आपका यहां पर एनफोर्सिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो डिवाइस है रोम के अंदर सर्टिफाइड है, उसके बाद वाइड बैंड L1 है। F2 FS के रिगार्डिंग मेरे को नहीं पता कि यहां पर सपोर्ट करता भी है या फिर नहीं। फिलहाल मैं EXT4 के ऊपर इसको यूज कर रहा हूं, बट मोस्ट प्रोबेबली वो चीज वर्किंग रहने वाली है। और गूगल फोटोज के अंदर आपको जो है स्पूफिंग मिल जाएगी। जो चार्जिंग स्पीड है 18 वॉट से वो कुछ ऐसी है, और जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो वो आपकी डेफिनेटली डिक्रीज होने वाली है, जो कि 2000 मिली एम्पियर के आसपास रह जाती है। अब नॉर्मली अगर आप रोम को यूज करने वाले हो, मैं थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप आपको बोलना चाहूंगा, ये वाला जो ग्राफ आप चेक कर रहे हो ना स्टैट्स वगैरह, तो जो एक्टिव ड्रेन मेरे को मिला वो 13 से लेकर 14% पर आर के आसपास है। आइडल ड्रेन आप चेक करोगे तो 0.45% पर आर के आसपास। डीप स्लीप काफी परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड अगर आप चेक करना चाहते हो इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ, तो यहां पर 83% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है, और 226,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS, 192,000 के आसपास एवरेज GIPS आपको मिल जाएंगे। एंड ये आपको मिलते हैं Geekbench 5 के स्कोर्स, जो कि आप चेक कर सकते हो। अब जो ANX कैमरा है ना, वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है वर्जन 5.0, जिसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आई थिंक आपको जो है बाय डिफॉल्ट इस रोम के अंदर कैमरा GCam भी मिल जाता है, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। सो ऐप इन्फो के अंदर चलते हैं, तो आपको यहां पर प्री इंस्टॉल्ड 8.1 कैमरा मिल जाता है, जो कि आई थिंक अर्नोवा की ओर से है। एंड अगर आप ये वाला जो ANX कैमरा है वर्जन 5.0 इसको इंस्टॉल करते हो, तो अल्ट्रा वाइड वर्किंग है, वीडियो के अंदर 4K 60 FPS का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट वर्किंग है, 48 मेगापिक्सल वर्किंग है, एंड स्लो मोशन फिलहाल के लिए क्रैश करता है। सो ये वर्क नहीं करता, यहां पर आपका जो डिवाइस है वो स्टक हो जाएगा। तो ये कुछ आपको ANX कैमरा का हाल इस रोम के ऊपर मिल जाता है। वही एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कुछ रोम के साथ में कंपेरिजन बता दूंगा साथ में। तो लेटेस्ट पिक्सिस ओएस हमने ट्राई किया था, उसके बाद एवोल्यूशन एक्स है, तो ये जो चीजें है ना टर्ब फेस्ट हुआ तो यहां पर काफी सारी रोम्स आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट सबके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलते हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है वो काफी स्मूथ है, रोम लिटरली काफी स्मूथ है, एंड कोई स्टटरिंग वगैरह मेरे को यहां पर नहीं फेस करनी पड़ी जितना मैंने इसको यूज किया है। जो एनिमेशन है वो सुपर स्मूथ है, सुपर फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको इस रोम के अंदर मिल जाता है, एंड ना ही कोई आपको यहां पर जो है क्विक सेटिंग पैनल के अंदर लैग मिलेगा। इवन जो रिसेंट्स है ना, यहां पर आपको हैप्टिक्स इन जो है इनेबल्ड मिल जाते हैं, जो कि काफी स्मूथ है। एंड लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड है ना, यहां पर अगर आप चेक करोगे तो जो स्क्रोलिंग है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ आप कर सकते हो। बात करते हैं रोम के अंदर सबसे पहले तो फीचर्स की, तो सेटिंग का यूआई कुछ ऐसा आपको मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, जस्टिस हमें मिलते हैं, क्विक टैप है, और यहां पर पावर बटन के अंदर आपको जो है यहां पर एडवांस रिस्टार्ट नहीं मिलता। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, सिस्टम नेविगेशन में 2 बटन 3 बटन है, पिल की लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, और यहां पर आपको जो है हैप्टिक्स वगैरह के रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और जो एडवांस रीस्टार्ट है वो आई थिंक किसी और सेक्शन के अंदर मिलेगा, बाकी आपको अपडेटर मिल जाता है अगर आप ट्राई करना चाहते हो। सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट एंड ऐप लॉक तीनों मिल जाते हैं, और यहां पर जो FOD की स्पीड है ना वो एक्सीलेंट आपको मिलती है। इवन जो आपको यहां पर साउंड्स मिलते हैं ना अनलॉकिंग के, वो आपको मिलते हैं प्रोजेक्ट अरकाना से अपडेटेड, जो कि काफी अच्छे हैं। एंड जो UI है ना यहां पर सेटिंग का, वो भी थोड़ा सा अपडेटेड आपको डिफरेंट सा देखने को मिलता है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आओगे तो ये वाले नॉर्मल से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और अगर आप यहां पर चेक करोगे तो पर है, वॉल्यूम कंट्रोल है, क्लियर स्पीकर है, बट जो मी साउंड इनहेंसर है ना वो आपको यहां पर नहीं मिलता। उसके बाद बैटरी के ऊपर आएंगे, सो यहां पर जो स्टैट्स है ना वो 24 आवर्स वाला मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड 12 से अपडेटेड है, और वैक्स से मैंने जो है आपको कंजप्शन वगैरह ऑलरेडी चेक करवा दिया कितना कंज्यूम होता है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको यहां पर जो है थीम्ड आइकॉन वगैरह मिल जाते हैं, बट यहां पर कस्टम पिक्सल लॉन्चर मिलता है, जिसके अंदर 6x9 तक आप यहां पर चूज कर सकते हो, और पिक्सल लॉन्चर बाय डिफॉल्ट वैसे है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था स्टार्टिंग में। लाइव डिस्प्ले में कलर कैलिब्रेशन है, उसके बाद यहां पर आप चेक करोगे तो कलर्स है, और प्रिवेंटल एक्सीडेंटल वेकअप है, अलाउ विंडोज लेवल ब्लर वगैरह ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। एम्बियंट डिस्प्ले के अंदर सभी जेस्चर्स हैं, उसके बाद कस्टम
डिस्प्ले सेटिंग के अंदर डीसी डिमिंग और एचबीएम भी आपको मिलेगा। एंड चेरिश सेटिंग्स आपको एज ऑलवेज यहां पर सब के सब मिल जाती हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो ट्रैफिक इंडिकेटर, सेंटर क्लॉक है, उसके बाद 4G वॉल्ट आइकॉन चूज कर सकते हो। एंड कलर स्टेटस बार आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे, क्विक सेटिंग, ट्रांसपेरेंसी है, तो ये सब चीजें आप यहां पर ट्राई कर सकते हो। थीम्स के अंदर सेटिंग का लेआउट आप चेंज कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा मिलते हैं। क्लियर ऑल बटन कस्टमाइज कर सकते हो, ब्लैक थीम चूज कर सकते हो। मॉनेट इंजन की बात करेंगे तो मॉनेट इंजन आपको मिलता है। डार्क थीम की बात करेंगे तो ये कुछ आपको यूआई अपडेटेड मिलता है। एंड हेडलाइट बॉडी फॉन्ट्स है, आइकन पैक्स आपको मिल जाएंगे। तो सभी चीजें आपको यहां पर जो है अपडेटेड देखने को मिलती हैं। इवन बटन्स के अंदर आओगे तो यहां पर ये जेस्चर्स आपको मिलेंगे, ऑप्शंस जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हो। एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आएंगे तो यहां पर आपको जो है डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, और जो एफओडी के जो आइकन वगैरह वो आप यहां पर चूज कर सकते हो, वो ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएगा जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। एंड पावर मेन्यू के अंदर एडवांस रीस्टार्ट है, नोटिफिकेशन के अंदर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन, किल ऐप बटन है, और यहां पर अगर आप चेक करोगे तो आपको मिसलेनियस के अंदर चार्जिंग एनिमेशन और कुछ गेम स्पेस वगैरह से नेम से भी आपको एक सेक्शन मिलता है जहां से आप गेम्स को ऐड करके गेमिंग मोड इनेबल कर सकते हो, और कुछ डेवलपर ऑप्शंस भी है जो कि आप चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। जितने भी रिसेंटली अपडेट्स आए थे वो सबके सब वैसे टारगेटेड होते हैं स्मूथनेस को लेके और बैटरी बैकअप वगैरह को लेके, या फिर जो है कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो। सो वहां पर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती थी, बट ये वाला जो अपडेट है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। मेरे को कोई मेजर हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं मिले, इवन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर इनेबल कर रखा है। एंड टेम्परेचर आउटसाइड में 42-43 डिग्री के आसपास हो चुका है, तो फैन के नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना ठंडा फोन रह सकता है। सो फिर भी यहां पर काफी जो है अच्छे से मेंटेन आपको यहां पर जो है टेम्परेचर मिल जाता है। इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी मेरे को जो है कोई मेजर हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं मिले, ना ही कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले। सो गेमिंग के परस्पेक्टिव से भी ये जो रोम है ना वो आपको काफी अच्छी गेमिंग करवा सकती है, बट हाँ इससे भी बेटर आपको काफी सारी रोम्स मिलती है, लाइक पिक्सिस ओएस डर्व फेस्ट का लेटेस्ट अपडेट और साइबेरिया, तो वैसे आप स्किप कर सकते हो इस वाले अपडेट को जो अभी आया था। बाकी एवोल्यूशन एक्स वगैरह अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।